पहले हम पेन में मैदा डालेंगे और शुगर डालेंगे साथ में पिसी हुई। डालते हुए फिर इसमें एग डाल लेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे, आवश्यकता अनुसार डालते रहेंगे। फिर इसको हम बेस मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसको हम बैटर को कढ़ाई में डाल लेंगे। अब इसको हम चलाते रहेंगे, अच्छे से इसका बेस बना लेंगे, गांठें ना पड़े इसलिए इसको कंटिन्यू कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। फिर हम चॉकलेट डाली हुई है इसके अंदर, इस पूरे बेस को बनाए हुए अंदर डाल देंगे कढ़ाई से और धीरे धीरे इसमें डाल देंगे, बनाते रहेंगे। अब हमारा चॉकलेट का बेस जो अच्छे से बन गया है, ये चॉकलेट वाला, ये क्रीमी वाला, दो तरह का बन चुका है। ये डोनेट बनने में हमारी आसानी रहेगी, अच्छे से डोनेट बन के आएंगे हमारे बाहर। इसमें हम एक पॉलीथीन बिछा लेंगे अंदर अच्छे से, और इसके ऊपर भी अच्छे से पॉलीथीन लगा देंगे, अच्छे से बिछा देंगे जिससे कि हवा क्रॉस ना हो हमारी, एकदम बढ़िया अच्छी तरह से। फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे कुछ टाइम ठंडा होने के लिए। अब इसे हम फ्रिज से निकाल के बाहर ले आएंगे। देखिए ये है बन के तैयार, क्रीमी क्रीमी हो गया है। देखिए हमारा आटा एकदम बढ़िया से बन के तैयार है रोल बनाने के लिए। छोटे हमने ये कट करके बना लिया है, छोटे छोटे बिल्कुल एक ही शेप में, भी तोल के अकॉर्डिंग, जो सभी एक जैसे बने इसलिए हम इन्हें मैनेजमेंट करते हैं। देखिए हमने छोटे छोटे गोल गोल रोल बना लिए हैं अच्छे से, एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से। फिर हम इसको हीट होने के रख देंगे।